नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख आज आपकी 29 जून 2021 की। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल महाधरना किया गया था नई शिक्षक भर्ती से संबंधित, उसके परिणाम के बारे में, क्या कुछ परिणाम उसका निकल कर आया। उसके बाद बात करेंगे आज की सभी न्यूज की। तो ये कल ही की तस्वीर है, परिणाम इसका ये निकल कर आया कि जो विजय किरण आनंद सर है उन्होंने वहां पर बातचीत की, और इसको शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, बातचीत की और ये बताया कि जो भी शिक्षक भर्ती आती है उसका एक लंबा प्रोसीजर होता है। अभी जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती है वही पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, तो नई शिक्षक भर्ती की कोई बात ही नहीं उठती है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। जिसमें आप देखेंगे शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने बताया हर चीज का खाका तैयार होता है, बजट पास होता है, शासन स्तर पर तैयारी होती है। पर जब 69,000 ही पूरी तरीके से, अभी आप देख रहे हैं जो बचे हुए छात्र थे उनकी भी काउंसलिंग हो रही है, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, तो जब वही अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो नई शिक्षक भर्ती कहाँ से आएगी। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, और कई जगह सोशल मीडिया पर इसका निष्कर्ष ये भी बताया गया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ पाएगी, मतलब क्लियर तरीके से बता दिया गया है। अब बात करते हैं, ये आपकी एक लिस्ट है अपकमिंग एग्जाम जो उत्तर प्रदेश में होंगे उसमें, तो इसमें यूपी टेट को भी शामिल किया गया है। बीएड का कोर्स अगस्त को यहाँ पर दिया गया है, और बात करें पेट की परीक्षा तो सितंबर में यहाँ पर बताई गई है, और बात करें सबसे लास्ट में यूपी टेट 2021 की तो ये नवंबर 2021 इसमें जो है वो बताया गया है। और आप पहले भी देख चुके हैं काफी बार अनुमानित एक तिथि रखी जाती है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि थर्ड वेव की बात की जा रही है, और इसी समय ये और ज्यादा थर्ड वेव बढ़ने के चांसेस हैं, तो परीक्षा हो भी पाएगी या नहीं ये तो आगे आने वाला टाइम बताएगा। पर एक जो प्रस्तावित तिथि है उसके तौर पर नवंबर 2021 यहाँ पर जो है वो बताया गया है। इससे ये भी क्लियर हो जाएगा जब यूपी टेट कराया जाएगा तो फिर सुपर टेट जो है वो होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। बाकी जैसे जैसे समय बीतेगा आपको और अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थी जो है उनको नहीं मिली नौकरी, 139 अभ्यर्थी जो है नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पर न्यूज प्रकाशित हुई है। 17 महीने बीत चुके हैं, काउंसलिंग नहीं कराई गई है, वही यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट न्यूज है, जो पॉलिटेक्निक छात्र हैं वो प्रोन्नत जो है वो नहीं होंगे, परीक्षाएं जो है वो 22 से 27 तक जो है वो उनकी प्रस्तावित हैं, किसी भी साल या सेमेस्टर के छात्र को प्रोन्नत जो है वो नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर जो है वो लिखा है। 90 मिनट में हल करने होंगे 50 प्रश्न, और 22 से 27 जुलाई तक परीक्षा प्रस्तावित है। सेम न्यूज अगले अलग से न्यूज पेपर में भी प्रकाशित हुई है कि पॉलिटेक्निक छात्र प्रोन्नत नहीं होंगे, देनी होगी परीक्षाएं, और यहाँ पर भी वही सारी चीजें जो है वो लिखी हैं। ये भी लिखा है यहाँ पर कि जिन छात्रों के पास लैपटॉप नहीं है उनको अपने गृह जनपद के संस्थान में जाकर ऑनलाइन परीक्षा देने की व्यवस्था पर भी विचार जो है वो चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, शिक्षक जो है उनकी छुट्टी के जो नियम होंगे वो जो है वो कड़े किए जाएंगे, अगर शिक्षकों को फोन किया गया तो होगी विजिलेंस जांच। लखनऊ से न्यूज प्रकाशित हुई है कि सरकारी प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनकी छुट्टी के नियम कड़े कर दिए गए हैं। यदि किसी शिक्षक को छुट्टी मंजूर करने के लिए फोन किया गया या उन्हें कोई कागज देने के लिए बुलाया जाएगा तो संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस जांच भी जो है वो करवाई जाएगी। ये भी लिखा है, यदि अवकाश मंजूर करने की निर्धारित समय सीमा से अतिरिक्त एक दिन की भी देरी होगी तो ये माना जाएगा जिला या ब्लॉक स्तर से शिक्षक जो है उनका शोषण हो रहा है। साइड में ये भी लिखा है, जो अनुपस्थित शिक्षक हैं उन पर भी कार्रवाई जो है वो होगी। साथ ही साथ वेतन को भी इसमें 100% ऑनलाइन माध्यम से हस्तांतरित करने की बात जो है वो की गई है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि 30 जून जो है उसको नहीं जारी होगा नियुक्ति पत्र। 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में लिखा है कि सचिव बेसिक शिक्षा ने प्रदेश के सभी बीएससी जो इनको पत्र भेजा, नियुक्ति पत्र जारी करने की तिथि जो है वो बाद में जो है वो घोषित की जाएगी। शिक्षक भर्ती पहले दिन 53 अभ्यर्थी जो है उन्होंने काउंसलिंग कराई, ये प्रयागराज से न्यूज जो है वो लिखी हुई है। बाकी यहाँ पर डाटा लिखा है। नेक्स्ट न्यूज भी इसी टॉपिक पर है, चयनित को कल जारी नहीं होगा नियुक्ति पत्र, प्रयागराज से न्यूज प्रकाशित हुई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जो पत्र भेजा गया उसमें कहा गया है कि 28 और 29 जून को काउंसलिंग कराए जाने का निर्देश दिया गया है, 30 जून को नियुक्ति पत्र वितरण जो है वो नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग के बाद जो अहिर अभ्यर्थी उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने की जो तिथि है, समय है, वो जानकारी अलग से जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है, यूपीपीएससी इंटरव्यू से पहले 55 अभ्यर्थियों के आवेदन अस्वीकृत। यहाँ पर उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी विभाग जो है उसमें प्रवक्ता के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए 55 अभ्यर्थियों के आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए, वही यहाँ लिखा है। नेक्स्ट न्यूज है, जेई मेन नीट जो है वो जुलाई अगस्त में कराए जाने पर बन रही है सहमति। तो एक अनुमानता
के तौर पर जो है वो लिखा है। नेक्स्ट न्यूज है, छात्रवृत्ति से वंचित हो जाएंगे मेधावी। बिट्स पिलानी हर साल इंटर के जो टॉपर हैं उनको देता है दाखिला। रिलायंस व अन्य संस्थाएं भी होनहार जो इनको छात्रवृत्ति देती है, इसीलिए लिखा है कि जो वंचित हो जाएंगे छात्रवृत्ति से वो है मेधावी। प्रयागराज से इसके बारे में न्यूज लिखा है। और ये भी लिखा है, इस बार मेधावियों के नाम पर नहीं बनेगी सड़क, क्योंकि ये भी जो है वो देखने को आपको मिलता है। अगली न्यूज है, झटका, यूपीपीएससी परीक्षा में एक और अवसर जो है वो नहीं। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली से न्यूज प्रकाशित हुई है कि परीक्षा में अतिरिक्त मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अवसर देने की मांग वाली जो सिविल सेवा भर्ती है उनकी याचिका सोमवार को खारिज कर दी है, और ये यहाँ पर लिखा है। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। कि 20,000 जो छात्र हैं उनको वर्चुअल इंटर्नशिप, नई दिल्ली से न्यूज प्रकाशित हुई है कि कोरोना काल में पिछले एक साल से घर बैठकर पढ़ाई कर रहे तकनीकी जो कॉलेज हैं उनके छात्रों को सरकार ने रोजगार से जोड़ने की पहल की है, और इसी में इंटर्नशिप के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित जो है वो किया जाएगा, और इसी में 20,000 छात्रों को लेकर न्यूज जो है वो प्रकाशित हुई है। साइड में यह भी लिखा है कि जामिया के 3 छात्र जो है उनको 6.25 लाख रुपए जो है वो पैकेज। तो यही था हमारे आज के इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।